गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द सिक्स्थ लेसन ऑफ क्लास फिफ्थ इंग्लिश एंड इट इज़ अ पोएम द सर्कस एलिफेंट्स रिटन बाय जॉन फॉस्टर। तो इस पोएम को रीड करने के साथ साथ मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप ध्यान से सुने। सो दिस होल पोएम इज़ अबाउट द एलिफेंट्स हु आर केप्ट कैप्टिव इन अ सर्कस। तो सर्कस में रहने के कारण उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या सोचते हैं, इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। सो रीड करते हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। पोएट जो है कह रहा है कि जो एलिफेंट्स सर्कस में काम करते हैं, सर्कस में रहते हैं और फिर उन्हें वहीं पे कैप्टिव रखा जाता है, वो क्या सोचते होंगे। द सर्कस एलिफेंट्स एज द ट्रैम्प राउंड द रिंग ईच नाइट। जो सर्कस एलिफेंट्स जो होते हैं वो हर शाम या हर नाइट आप बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्कस में परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करते हुए वो क्या सोचते होंगे, उन्हें क्या लगता होगा, ये पोएट जो है जॉन फॉस्टर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम से। सो वो जब परफॉर्मेंस देते हैं सर्कस में तो उन्हें कैसा लगता है। डू दे विश दैट दे वर फार अवे। क्या उनके मन में इच्छा नहीं होती होगी, क्या हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, हम कहीं दूर यहाँ से जंगल में होते। इन द फॉरेस्ट्स लीफी लाइट, जंगल में हरे भरे पेड़ों और पत्तों के बीच में, वेर देड रोम एट विल, और वो जहाँ पे खुला आराम से घूम सकते, एंड कुड ईट देयर फिल, और पेट भर के खा सकते, फार फ्रॉम ह्यूमन साइट, इंसानों की नज़रों से दूर। As the gentle giants perform their tricks, the children stare with delight. सर्कस में जब एलिफेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने ट्रिक्स को, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उनके ट्रिक्स को और वो काफ़ी खुशी से, काफ़ी उल्लास से उनके ट्रिक्स को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं और काफ़ी आनंद भी लेते हैं। लेकिन बट इज़ इट फेयर, क्या ये ठीक है। शुड दे बी देयर, क्या जो हाथी है क्या वाकई में उन्हें सर्कस में होना चाहिए। इज कीपिंग देम कैप्टिव राइट, क्या उन्हें यूं ही बंधा हुआ पिंजड़े में एक कैप्टिव लाइफ जीना चाहिए या उन्हें खुले आसमान में जंगल में रहना चाहिए। ये पोएट की सोच है और पोएट के क्वेश्चन है आप सभी से और हम सभी से कि जो जानवर, नॉट ओनली एलिफेंट्स, जो जानवर सर्कस में काम करते हैं और सर्कस में परफॉर्म करने के बाद वो यूं ही बंधे रहते हैं सर्कस में, तो क्या ये ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी जंगल में रहें, आज़ादी की ज़िंदगी जिए और आराम से घूमें फिरें और खाएं। सो दिस थॉट इज़ एक्सप्लेन्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू दिस पोएम बाई जॉन फॉस्टर। ओके, तो इस पोएम में हमने यही जाना कि एक एलिफेंट जो कि सर्कस में रहता है, सो क्या आपको लगता है ये सही है, क्या उन्हें वाकई में वहाँ रहना चाहिए या कहीं खुले आसमान में जंगल में रहना चाहिए। ये बात जो है पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अगले वीडियो में हम इस पोएम का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।